गांव के प्रवेश में कविता पाठ कर रहा हूँ। वाह, आज गांव में संस्कृति बची है, मूल्य बचे हैं, नहीं तो शहरों में तो बहुत बुरा है। क्या बात है, सिनेमा ने जितना विध्वंस संस्कृति का किया है उतना किसी साधन ने नहीं किया। बहुत दादा दादी नाना नानी की कहानी किस्सों में संस्कार बसते थे, आज बच्चे जब चैनलों से चिपके रहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक से लगाव रखते हैं, तब दूर होते जा रहे हैं, तब पढ़ना चाहता हूँ। वाह, स्वागत है। दादी नानी की कहानियों का हो गया अभाव, हर घरों में सिनेमा से हुआ भारी लगाव, चौपालों की रीति नीति भी पुरानी हो गई, अपनी जो चीज थी वो भी वीरानी हो गई, वैभव विलासता में लोग अंधे हो गए, सेवा भावना वाले नियम धंधे हो गए, जिंदगी में वासना की बढ़ रही आंधियां, प्रेम को रोगी बनाती जा रही है व्याधियां, मानसिकता के सारे सूत्र साजो भंग है, शानदार अतीत के फीके अब रंग है, शुचिता की वेल क्षतिग्रस्त होने लगी है, शांति अपना सरल मार्ग होने लगी है, लगता है मानवता बांझ होती जा रही, नीति और मूल्यों की सांझ होती जा रही, आज प्रेम के तरीकों में भरी है गंदगी, ऐसी जिंदगी को कैसे करें हम बंदगी, शारदा के बीड़ा की झंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता। शिक्षा में जो मूल्यों की गिरावट हुई है उस तरफ इशारा करना चाहता हूँ। देखें, विद्यादान राह नहीं व्यवसाय हो गया, गुरु शिष्य का संबंध स्वार्थमयी हो गया, साक्षरता बढ़ रही शिक्षा का अभाव है, आध्यात्मिकता से राह न लगाओ है, पढ़े लिखे आदमी में आदमीयता नहीं, शिक्षित कहीं ऐसी बची है साधुता नहीं, मानवता यही लोग कर रहे तार तार, दिन दिन बढ़ा रहे पाप ताप का ही भार, व्यभिचार बढ़ रहा इनके सहयोग से, त्राय त्राय मच रही इनके ही भोग से, सनातन संस्कृति को न पहचानते, अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं जानते, मातृभूमि मातृभाषा से ने है प्यार ना, वेद शास्त्र गीता का ये जानते सारना, ये तो पाश्चात्य सभ्यता के ही गुलाम है, करके कुकृत करे देश बदनाम है, सुरा सुंदरी के उपभोग में ये मस्त है, राष्ट्र संपदा को लूटने में सिद्ध हस्त है, सोचिए कैसे रहेगा जिंदा अपना वतन, यदि नष्ट हो जाएंगे सारे मूल्यों के रतन, संस्कारों की जरूरी है शिक्षा में बाध्यता, बच पाएगी तभी संस्कृति और सभ्यता, खान पान वेशभूषा सादगी से युक्त हो, मेरा देश पाश्चात्य सभ्यता से मुक्त हो, राम के धनुष की टंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार। अंतिम मंत्र का जिंदाबाद, देश की भ्रष्ट राजनीति के कारण हमारे देश का अन्नदाता अन्न पैदा करने वाला दुखी है, तब पढ़ना चाहता हूँ। देखें, स्वागत है। अन्नदाता के घरों में अन्न का अभाव है, शासन की नीतियों का कैसा दुष्प्रभाव है, श्रमिकों के अधिकार खा रही है खुशियाँ, गरीबों का खून पी से हार रही है खुशियाँ, ऊंची ऊंची कोठियों की झोपड़ी शिकार है, चल रही आपाधापी की ऐसी बयार है, राजधर्म का नियम स्वप्न होता जा रहा, बड़ा अपने बड़पन को खोता जा रहा, छल फरेब झूठ की गहरी हुई है खाइयां, रोग को बढ़ाने वाली आ रही दवाइयां, कुर्सियों का ही विकास देश का विकास है, कैसे कर देश की सत्ताओं पे विश्वास है, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का संहार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूँ मैं, गीत कविताओं में हुंकार। और अंतिम दो पंक्तियां कह के वाणी को विश्राम दूंगा कि हमें लालसा नहीं कभी रहती शाही दरबारों की, हमें लालसा नहीं कभी रहती शाही दरबारों की, सदा सैर करते रहते हम कांटों के अंबारों की, छूट कब कभी जाती तन में देख हमें मक्कारों की, हम लिखते हुए खौफ नहीं शक्का हमको सरकारों की, हम कागज के टुकड़ों में फंस नहीं टिकाया करते हैं, हम कब हैं कविता से सोया देश जगाया करते हैं, हम कविता से सोया देश जगाया करते। बहुत बहुत धन्यवाद।